नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल SS स्टडी पॉइंट में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको हर एक भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो वो मैं आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी विद प्रूफ के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो कैंडिडेट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बगल में ही जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा लेना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो आज मेरे पास न्यूज़ है 18,000 PSC कैंडिडेट आमद से संबंधित एक और न्यूज़ है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी न्यूज़ की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपनी न्यूज़ पर। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 29 नवंबर 2019, कार्यालय सेना नायक, टास्क फोर्स 47वीं वाहिनी, गोविंदपुरम, गाजियाबाद। ये सूचना है आरक्षी PSC भर्ती 2018 में चयनित। इस वाहिनी को आवंटित चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पुलिस महानिरीक्षक PSC उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या ये दे रखी है दिनांक 3/10/2019 के द्वारा आरक्षी PSC पद पर चयनित अभ्यर्थियों का प्रारंभिक प्रशिक्षण यानी कि आपका JTC दिनांक 1/12 से एवं आधारभूत प्रशिक्षण आपका 21/12/2019 से कराया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा परीक्षा में समस्त सफल अभ्यर्थी को दिनांक 1 दिसंबर 2019 से प्रारंभ होने वाली JTC से पूर्व भर्ती हेतु उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के लिए ब्रीफिंग, नियुक्ति पत्र व आगमन हेतु दिनांक 1/12/2019 को प्रातः 11:30 बजे से किया जाना है, जिसमें अपेक्षित कार्यवाही हेतु निम्न प्रपत्र व शपथ पत्र अपने साथ लेकर आएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शिक्षा व अन्य समस्त अभिलेख मूल रूप एवं छाया प्रतियों में। नियुक्ति हेतु 10 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र 47वीं वाहिनी टास्क फोर्स वाहिनी जो है गाजियाबाद की है। और आपको कौन सा शपथ पत्र लेकर जाना है वो भी इन्होंने जो है यहाँ पर PDF में डाला हुआ है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो यही थी न्यूज़। जैसी और कोई न्यूज़ आएगी सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।